मेहता का उल्टा चश्मा। ये पादवी, ये शाहरुख खान जी है कि यहाँ पे कोई पर्दा है? शाहरुख खान? ओ नहीं, सुनिए, शाहरुख खान है। शाहरुख खान नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सपना है, ये सपना है। अरे ये सपना नहीं है। एक मिनट, क्या कर रहे जनरल? लगा तो बराबर है, ये सपना नहीं है, ये सपना। शाहरुख खान भाई, पोमो देखा हमने। नहीं नहीं, शाहरुख भाई ऐसा बोलते हैं, रेडी स्टडी पो बोलते हैं भाई। देख रूट के, शाहरुख भाई ऐसा नहीं बोलते हैं वो। सॉरी शाहरुख सर, आई एम कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, ओरिजिनल फ्रॉम चेन्नई। आपने हमारे चेन्नई को और फेमस कर दिया। शाहरुख सर, टप्पू सेन आपकी हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती है। ओ शाहरुख जी, आप तो बॉलीवुड के रोमांस के किंग हो। अरे पर ये शाहरुख खान साहब हमारी कोई बात का रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे? क्या नहीं दे रहे? जवाब जवाब नहीं दे रहे जेठालाल। लगता हमसे कोई गलती हो गई है, ये इसकी वजह से। बोला तुझे पोमो तो कह नहीं, पो पो पो। सॉरी, बस रेडी स्टडी पोमो। जवाब तो अभी भी नहीं दे रहे। लगता है बात ये नहीं, कोई और गलती हुई है हमसे। हाँ, वरना शाहरुख भाई तो अपने फैंस के साथ बहुत फ्रेंडली है। सही बात। अरे एक मिनट, इनको किंग खान बोलो। किंग खान। अरे उनको हिंदी फिल्म के सुपरस्टार्स के भी स्टार बोलो। हिंदी फिल्म के सुपरस्टार्स के स्टार। हिंदी फिल्म के सुपरस्टार्स के स्टार। सुपरस्टार काका, शाहरुख खान अभी भी कुछ नहीं बोलते। हाँ नटू काका, कुछ गड़बड़ जरूर है। एक बात कहूँ, तुम गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों को दिल जीतना खूब आता है। थैंक यू।
लेकिन क्या आपको मालूम है कि तुम सब लोगों को यहाँ पर मैंने बुलाया? शाहरुख भाई ने हमको यहाँ बुलाया, मतलब मैं कैसा सिटी शाहरुख भाई का है? जेठालाल मैक एसोसिएट मतलब एम ए के मैक, ये तो एस आर के है ना। मतलब हमको नोटिस शाहरुख खान सर ने भेजी है। इसका मतलब शाहरुख जी हमारे जमीन के मालिक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी हर महीने का मेंटेनेंस हमें शाहरुख जी को देना होगा। भिड़े खबरदार, अकेला गया है तो हम सब अपना अपना मेंटेनेंस देना है। साथ में मिल के उनके बंगले पे जाएंगे मन्नत में। मेंटेनेंस वगैरह की बात छोड़ो, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि आप लोग इस सोसाइटी में इलीगली रह रहे हो। आप लोगों के ऊपर 50 करोड़ रुपए की पेनल्टी है। शाहरुख भाई, खान भाई, अब तो इतने बड़े सुपरस्टार है, आपकी नजर हमारी छोटी से गोकुलधाम सोसाइटी पर है। गया भाभी, सिर्फ मेरी नजर नहीं, 11 मुल्कों की नजर आपकी सोसाइटी पर है। अगर आप लोगों ने 50 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आपको इस सोसाइटी से निकलना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे हम लोग? शाहरुख भाई थोड़ा तो सोचिए, हम लोग 50 करोड़ जैसी रकम कहाँ से लाएंगे? हमारी सोसाइटी के अकाउंट में तो फंड ही नहीं है। चाहिए तो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी से पूछ लीजिए। हाँ, टू बी प्रिसाइज 129,182 रुपए है, मैंने कल ही पासबुक भराई है। लेकिन चाचा जी ने तो वादा किया था कि 50 करोड़ रुपए वो लेके आ जाएंगे, पेमेंट कर देंगे। नहीं नहीं, वो तो बापूजी ने मजाक किया था, बापूजी कभी कभी करते हैं मजाक। वैसे एक रास्ता निकल सकता है शाहरुख भाई, अगर आप अभी हमको 50 करोड़ उधर दे दो तो उस 50 करोड़ से हम आपका जो भी पेनल्टी है वो चुका देंगे, और फिर जो आपने उधर दिया है वो हम थोड़ा थोड़ा करके हर महीने आपके बंगले मन्नत पे आके हम लोग चुकाते जाएंगे। हैं? ए, मुझे ऐसा 50 करोड़ रुपए वाला मजाक अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अब डिसाइड करो, या तो 50 करोड़ रुपए दे दो या ये सोसाइटी मेरी हो गई। शाहरुख भाई, हम लोग 50 करोड़ कैसे चुकाएंगे? नटू काका, हम कहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। मतलब ये गोकुलधाम वासी 50 करोड़ कैसे चुकाएंगे? शाहरुख खान भाई, आपकी तो कितनी सारी प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, और कितनी सारी हीरोइनें भी है। अरे हीरोइन उनकी जायदाद थोड़ी है, क्या बोल रहा है पोपटलाल। शाहरुख खान भाई प्लीज, हम गोकुलधाम वासियों के सदस्य हूं, मत कीजिए ना प्लीज। प्लीज शाहरुख साहब, हमने सुना है कि आप तो बड़े नेक दिल हैं और आपका दिल बहुत बड़ा है, कोई तो रास्ता होगा सर, प्लीज। हाँ एक्चुअली, हाँ ये तो तुमने सही सुना है, मैं काफी नेक दिल हूँ और अच्छा इंसान भी हूँ। तो एक और उपाय निकालते हैं। क्या सर? क्या? मैं 5 शर्तें रखूंगा, अगर आप लोग उन शर्तों में फेल हो गए तो ये सारी गोकुलधाम सोसाइटी मेरी हो गई, मंजूर? और अगर पास हो गए तो? शिक्षक साहब बड़ा कॉन्फिडेंस है, पहले आप शर्त जीत के तो दिखाइए। अभी हमारे पास और कोई चॉइस थोड़ी है। हाँ तो फिर करते, चल तैयार। हाँ तैयार। ओके, शर्त नंबर 2, मैं जिसका भी नाम लूं सिर्फ वो मेरी कोई भी फिल्म में से एक डायलॉग बोलेगा। ग्रेट। ओके, यू शिक्षक साहब, आत्माराम तुकाराम भिड़े, आप बोलें पहले। मैं? ये तय।
अरे बाप रे, ये भिड़े हम सबको हरवाएगा। इसको तो अपने जमाने के पिक्चर के डायलॉग याद होंगे। हाँ, इनको शाहरुख खान के डायलॉग थोड़ी, सौरभ मोदी साहब के डायलॉग याद होंगे। मैं हूँ ना। अरे भाई, तू अपनी हयाती मत बता, डायलॉग बोल, डायलॉग। अरे ये लेकिन डायलॉग भी तो है। अरे आज बारा मेरा लंबा डायलॉग बोलो। लंबा वाला डायलॉग? मान, फास्ट 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 जल्दी करो। आहो, ते बोला ना जो बार बार सुना दे आप मुझे। याद है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अगर किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए कम पे लग जाती है। बोला बोला, कैसा लगा? कितनी तेज तेज बोल रहे हो यार, ट्रेन पकड़ने जा रहे हो क्या? ओके अब्दुल, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। Very good. And now, Mr. Tarak Mehta, आपकी बारी। आज एक हंसी और बांट लो, आज एक दुआ और मांग लो, आज एक आंसू और पी लो, आज एक जिंदगी और जी लो, आज एक सपना और देख लूं, क्या पता कल हो ना हो। क्या बात है, मतलब दिल से बोला एकदम। नहीं, दिल से नहीं, कल हो ना हो पिक्चर का। अच्छा, नहीं मतलब मैं कह रहा था कि सोसाइटे में कल होना हो, इसलिए आपने ऐसा दिल से बोला। सुब सुब बोल भाई। सॉरी। एंड अभी अगला डॉक्टर साहब, डॉक्टर हंसराज हाथी साहब, आप बोलिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड अब जेठालाल, आपकी बारी। हाँ, मुझे आता है, मैंने याद कर लिया सब। मुझे शेर्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क एक नाम सुनाई देता है, वो है इंडिया। इंडिया, 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 इंडिया। एक मिनट, शाहरुख भाई, मैं भी डायलॉग बोलूंगा, मुझे भी बोलना आता है। पोपटलाल, शाहरुख साहब ने 5 लोगों का कहा था, 5 लोग हो गए। हाँ, तू बाद में हम सबको सोसाइटी कंपाउंड में सुना देना ना भाई। नहीं तो उसमें क्या है भाई, हर बार ऐसे बोल के मैं ही रह जाता हूँ। मैं बोलूंगा, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज। अच्छा, रहने दो पोपटलाल जी, आप बोलने दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओहो, कितना बड़ा दिल है शाहरुख खान साहब का। फिल्म मोहब्बत है, राज आर्यन मल्होत्रा। ओके। एक लड़का था दीवाना सा, किसी भी लड़की पे वो मरता था। शर्मा के बलखा के गलियों से गुजरता था, और जैसे ही कोई लड़की दिख जाती थी तुरंत उसे पूछ बैठता था, Will you marry me? ये थोड़ा अलग नहीं है? नहीं, बराबर अलग ही है। वो क्या है, पोपटलाल के सालों से शादी नहीं हो रही है ना, तो उसने आपका डायलॉग थोड़ा अपने हिसाब से बोला। शाहरुख भाई, आपको तो फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे लोग जानते हैं, इतनी हीरोइने जानती हैं, तो अगर आपके ध्यान में अगर कोई हो मेरी शादी के लिए। अरे शाहरुख भाई का मैरिज सेंटर खोल के थोड़ी बैठे, क्या बोल रहे हो पोपटलाल तुम? आपको फिल्म का डायलॉग कैसा लगा? बहुत अच्छा है, और मैं विश करता हूँ कि इस डायलॉग से या किसी भी चीज से तुम्हारी शादी वादी हो जाए। थैंक यू। वाह वाह वाह, देखो पोपटलाल, भारत देश का सबसे बड़े रोमांचिक हीरो ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, अभी तुम्हारी एकाध शादी तो हो ही जाएगी। क्या बोल रहे भाई जेठालाल, मुझे जीवन में एक ही शादी करनी है। शाहरुख भाई, मैं भी आपकी फिल्म का एक डायलॉग बोलना चाहूंगा, प्लीज। ओके, आप भी बोलिए। थैंक यू शाहरुख भाई, तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हे किरण, शायद कन्हैया लाल जी की। अरे वाह नट्टू काका, क्या तू भी चलती गाड़ी में चढ़ बेटा। सर, टप्पू सेना चाहती है कि आप भी अपना एक डायलॉग सुनाएं। प्लीज सर, प्लीज, प्लीज सर, प्लीज, प्लीज, प्लीज सर, प्लीज सर। ओके, अगर कुछ जीतना हो, कुछ पाना हो, कुछ हासिल करना हो,
तो सिर्फ अपने दिल की सुनो, और अगर दिल की से भी आवाज ना आए तो आंखें बंद करके अपने माँ बाप का नाम लो, और फिर देखो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर मंजिल तुम पा सकोगे और जीत तुम्हारी होगी। क्या बात, क्या बात। वाह 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 बागा, शाहरुख भाई ने क्या लाख टक्के की बात कही है। भूलो भले बीजू बदू, माँ बाप ने भूलशो नहीं। वाह वाह वाह, थैंक यू। अभी बहुत हो गया ताली वाली सब समझ रहा हूं मैं। तुम मेरे को शर्तें बुला रहे हो, थर्ड शर्त, और ये वाली शर्तें जो है सिर्फ लेडीज के लिए हैं, मर्द इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके लेडीज रेडी? ओके सो तीसरी शर्त ये है, आप मेरी फिल्मों में से मेरी पांच हीरोइंस का नाम बताएं। कैटरीना कैफ। वेरी गुड सर। रानी मुखर्जी। फैंटास्टिक। आपरी दीपिका। ओह बहुत लंबी है। काजोल जी। वो भी अच्छी है। अनुष्का शर्मा। या वेरी गुड गर्ल्स आर वेरी गुड, ऑल द लेडीज आर फैंटास्टिक इन गोकुलधाम सोसाइटी। एक मिनट, आप लोग एक हीरोइन बहन का नाम तो भूल ही गए जो सभी हीरोइन बहन से भी ऊपर शाहरुख खान भाई के दिल में राज करते हैं। आप किसकी बात कर रही हैं दया भाभी? वही हीरोइन बहन जिनको आप आपकी शादी के बाद भी भूले नहीं हैं और ना कभी भूल पाएंगे। दुनिया भर को अपनी एक्टिंग के जोर से चौंकाने वाले शाहरुख खान साहब दया भाभी के एक नुकीले सवाल से चौंक गए, और चौंक भी इस तरह से गए साहब के अपनी कुर्सी से सीधे खड़े हो गए। आखिर कौन सी ऐसी वो हीरोइन है जिसे दया भाभी जानती है लेकिन शाहरुख खान साहब चूक गए हैं, और चूक ही नहीं गए बुरी तरह से चौंक गए। अब इस सवाल से कहीं शाहरुख खान साहब नाराज ना हो जाए, अगर नाराज हो गए तो गोकुलधाम निवासियों का क्या होगा, क्योंकि कहते हैं ना साहब के सुपरस्टार के तेवर भी सुपर होते हैं, उनके गुस्से का अंदाज भी सुपर होता है, लेकिन इस सुपर गुस्से में इस सुपर सवाल का क्या सुपर जवाब देंगे शाहरुख खान, ये जानने के लिए देखते रहिए सुपर शो मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.